हम होते हैं क्योंकि हम उनको जुल्म करने देते हैं, क्योंकि हमारी कोई कीमत नहीं, हम 500 रुपए में बिक जाते हैं, बस वो आया 500 रुपए दिया, हमने जाके उसको वोट डाला। हम ये नहीं देखते अगर वो 500 रुपए दे दिया तो कल हमारा काम करेगा नहीं करेगा। अगर आज हम ईमानदारी से अगर एक अच्छे नेता को, अच्छे कार्यकर्ता को जिता के लाते हैं तो आज हम उसका गिरेबान पकड़ के हमारा हक मांग सकते थे, लेकिन आज हमारी ये आवाज है, हमारी ये ऐलान है, जो हमारा हक है हमको वो चाहिए। तो आज तक के हर पॉलिटिकल लीडर लोगों के लिए रैलियां में गए, आज हमारे हक के लिए जाना है। और हमारे शमीम भाई जो काम कर रहे हैं, मैं इनका तहे दिल से एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये अपना काम, अपनी दुकान छोड़ के हमारे लोगों के लिए आए। तो आप लोगों को इनका जो कीमती वक्त जाया हुआ है आपके लिए, तो आप लोगों को इस कीमती वक्त को कवर करना है, इनके साथ में जाना है, इनके कांधे से कांधा मिला के चढ़ना है। शायद कुछ मेरे नौजवान भाई ये भी सोच रहे होंगे क्या इनको कुछ काम धंधा नहीं है, फालतू स्कीम लेके आए। भाइयों को स्कीम ने आपका हक है, और एक बार ये बंद हो गया तो सिर्फ आपके पास काश और काश, इसके अलावा कुछ नहीं रहा। काश अगर उस दिन शमीम भाई की बात सुना होता, काश उस दिन नाजिम की बात सुना होता, तो आज हमारा हक मिलता। 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो गेहूँ सिर्फ आपके राशन कार्ड पे मिलेगा, बाकी कोई भी प्राइवेट दुकान में आपको राशन नहीं मिलने वाला। आज जब राशन दुकान में हमको 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो गेहूँ चावल मिल रहा है, तो उस मोमेंट में 20 रुपये किलो ब्लैक से बेच रहे लोग, समझे, उस मोमेंट में 20 रुपये ब्लैक से बेचते हो। सोचो जब आपका राशन दुकान से बंद हो जाएगा, जब आप मजबूर हो जाओगे प्राइवेट से खरीद के खाने के लिए, तो तब वो लोग इसका भाव कितना बढ़ाएंगे। तो ये पब्लिक के लिए कोई फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। ये गवर्नमेंट जो इनको बेवकूफ बना रही है, क्योंकि वो समझ गए हिंदुस्तान की जो 135 करोड़ जनता है वो बेवकूफ है, बस इनको छोटे मोटे दिलासे दिला दो, एक आते स्कीमें पास कर दो, ये खुश हो जाती, हमको वोट दे देती, फिर हम 5 साल जो राज करना है करेंगे। लेकिन अब हिंदुस्तान की जनता, महाराष्ट्र की जनता, भिवंडी की जनता अब जा चुकी है, अब हमको हमारा हक चाहिए, हमारा हक लेने से हमको कोई नहीं रोक सकता। तो मेरे भाइयों से गुजारिश है कि 29 जनवरी को जो मीटिंग रखी गई है आजाद मैदान में, ज्यादा से ज्यादा तादाद में उसमें शामिल हो और उस मीटिंग को कामयाब बनाए, क्योंकि 1 फरवरी से आचार संहिता लागू होने वाली है, जैसा वसीम भाई ने बताया। तो उसके बाद सिर्फ आपकी आवाज दबी रहेगी, कभी ऊंची नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आप लोग कोशिश करेंगे कि 29 जनवरी को आजाद मैदान में, अब बाकी का जो मोमेंट है कैसे वहां पे पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, किससे कॉन्टेक्ट करना है, हमारे शमीम भाई बताएंगे। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूँ जिनका अभी तक के राशन नहीं मिलता, और कुछ लोगों ने मुझे बताया कि भाई हमारे को जो हम राशन लेने के लिए जाते हैं तो एक का थम्स आता है, बाकियों का नहीं आता, तो हमको नहीं देता, नहीं तो हमारा अगर 10 किलो राशन है तो हमको